आ गया माल आ गया। आजा मेरी बुलबुल, तेरे तो मैं लेग पीस खाऊंगा, वो भी मिसाले लगा के। अरे भाई सुबह का आके खामोश खड़ा है, बता अभी दे कितना गोश्त चाहिए। गोश्त तो मैंने बहुत सारा लेना है, पहले आप ये बताओ आप किस रेट पे गोश्त दे रहे हो। भाई पहले गोश्त सस्ता था, माह रमजान की वजह से गोश्त महंगा हो गया है, अब गोश्त 1,000 रुपए किलो है। अच्छा 1,000 रुपए किलो है, इसका मतलब मेरे पास एक पाव भी खरीदने के पैसे नहीं है। चलो फिर मैं नहीं लेता गोश्त। भाई 2 किलो गोश्त दे दो। 2 किलो गोश्त अभी कर देता हूँ। हैं, मेरी बख्तों वाली मुर्गी कहाँ गई है। अरे भाई जान क्या हो गया है, किससे बातें कर रहे हो। मेरी बख्तों वाली मुर्गी गायब हो गई है, जो पिछले 1 साल से सेल नहीं हो रही थी। अच्छा पूरे 1 साल से सेल नहीं हो रही, फिर मैं क्यों लेने आया हूँ। मैं नहीं लेता, मैं किसी और जगह से लेता हूँ। अगर तू लेता मैं कहाँ से देता, मेरे पास भी सिर्फ 1 मुर्गी थी जो गायब हो गई है। भैया भैया आप टेंशन ना लो, मैंने आपकी मुर्गी अपनी आंखों से चोरी होते हुए देखी है। अच्छा जब तूने चोरों को चोरी करते हुए अपनी आंखों से देखा तो तूने फिर उन्हें रोका क्यों नहीं। रुको रुको भाई टेंशन ना लो, मेरे पास चोरों को रंगे हाथों पकड़ने का प्लान है, इसलिए मैंने उनको नहीं रोका। हैं प्लान है, कौन सा प्लान है बता मुझे। भाई जान आज तो मैं इसके लेग पीस खाऊंगा। चलो खैर है, आज इसके लेग पीस बना लेते हैं, कल जो उठाएंगे ना उसकी चिकन व्हाइट हांडी बनाएंगे। अरे भाई कल की कल देखेंगे, आज इसके लेग पीस तो एंजॉय करें। तेरा प्लान जबरदस्त है, ऐसे तो मैं अपनी मुर्गी का बदला सूद समेत वापस लूंगा। अगले दिन हाँ भाईजान क्या चाहिए। भाईजान आज मैं गोश्त लेने के पैसे ले आया हूँ, 1 किलो गोश्त कर दो। ले आया पैसे, जो तूने मेरी बख्तों वाली मुर्गी खाई है आज मैं उसे हजम करता हूँ। अरे यार ये अभी तक माल क्यों नहीं आ रहा। माल आएगा जरा सब्र तो कर। अब बताओ सालो क्यों चोरी की है। अरे भाई मार क्यों रहे हो, हमारी बात तो सुनो, हम दो बंदे बड़े गरीब हैं, हमारे पास खाने पीने और रहने के पैसे नहीं है, इसलिए तो हम मुर्गी चोरी कर रहे थे। हाँ भैया ये बिल्कुल सच कह रहा है। आप टेंशन ना लो, हमने आपके लिए खाने की पीने की और रहने की पूरे 2 साल की अरेंजमेंट कर दी है। अच्छा भैया वो कहाँ पर। डिस्ट्रिक्ट जेल में।